श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मंत्र फल किसने बोले आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे देव सैनी के नाम से भी कहते हैं उसे एकादशी व्रत की कथा का महात्म निमित्त प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले हे भगवान आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी विधि क्या है वो कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले हे राजन एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया था तब ब्रह्मा जी ने नारद जी जो कहा वह तुमसे कहता हूँ। कलयुग के में जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूँ ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक राजा राज करते थे। वह सत्यवादी महान तथा प्रतापी और चक्रवर्ती थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करते थे। उनकी समस्त प्रजा धन धान से पूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उनके काल में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखित रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन राजा के पास जाकर प्रजा प्रार्थना करने लगी हे प्रभु समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से ही प्रजा मर रही है। हे प्रजाजन आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता ने कहा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर कह रहा हूँ फिर भी अपना कोई दोष मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं भी बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कह करे राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ में लेकर के वन के लिए चल दिए। वहाँ वह अनेक ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि जी के आश्रम में पहुँचे। उस स्थान पर राजा रथ से उतरे और आश्रम में जाकर के मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। राजा से बोले हे राजन आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। राजा बोले हे महर्षि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही जिससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख को भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है ऐसे शास्त्रों में वर्णन लिखा हुआ है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ फिर भी अकाल कैसे पड़ गया इसका मुझे पता नहीं चल सका। अतः मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरे संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस प्रकार राजा की बातों को सुनकर ऋषि बोले हे राजन यह सतयोग सब योगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के 4 चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण को ही तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का अधिकार है परंतु राजन आपके राज्य में एक शुद्ध भी तपस्या कर रहा है इसी दोष के कारण से आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा मानधाता बोले हे मुनि सर मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता आप इस दोष से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि बोले हे राजन यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत पूजन करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी क्योंकि एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रव को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर के राजा मानधाता बहुत प्रसन्न हुए और अपने नगर में वापस आ गए
और विध पूर्वक समय आने पर पद्मा नाम की एकादशी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख की अनुभूति हुई। इससे एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा करते हैं। इस व्रत के करने से विष्णुवान प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि एकादशी का व्रत अवश्य करें और चातुर्मास का व्रत भी इसी एकादशी के दिन से शुरू किया जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।